हम श्री कृष्णा के जन्म की लीला आज दिखाते हैं, हम आज दिखाते हैं। श्री कृष्णा जी जेल में जन्मे वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कंस राज की बहन की सारी व्यथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ के आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कृष्ण जन्म की कथा सुनाओ, सुनो लगा के ध्यान। मथुरा में अवतरित हुए जब श्री विष्णु भगवान। समझ सका है कौन आज तक तकदीरों का खेल। मिलते मिलते महल दो महले मिल जाती है जेल। वासुदेव संग ब्याह करा के चली बहन ससुराल। कंस राजा रथ हाँक रहा था हो करके खुशहाल। तभी गगन में बादल गरजे आई फिर आवाज, जिसके लिए तू प्रसन्न हो रहा कंस राज तू आज। इसी के कोख में मौत है तेरी सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा के जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आकाशवाणी सुनकर वासुदेव कंस राजा और वहां उपस्थित मंत्री वासुदेव देवकी, कंस राजा वहां उपस्थित मंत्री संतरी सैनिक दास दासियां सब के सब हैरत में पड़ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कंस को तो मानो कानों के पर्दे ही फट गए थे। फिर से आवाज आती है, कंस जिस बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है इसी की कोख से जन्म लेने वाली आठवीं संतान तेरा वध करेगी। कंस राजा है, हृदय तीव्र गति से गतिमान हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुनकर के आकाशवाणी को हुआ कंस हैरान। मेरी मौत की दाती देव की बनेगी है भगवान। कंस ने सोचा मन में अपने कौन सा करूं उपाय। बांस रहे ना बने बांसुरी छुटकारा मिल जाए। गुड़ा भाग करे अपने मन में कंस ने किया विचार। उतर गया रथ से नीचे और लिया खींच तलवार। बहन देव की मरने के लिए हो जा तू तैयार। मेरे शत्रु की जननी बनेगी दूंगा तुझको मां। वासुदेव जी हाथ जोड़ उसको समझाते हैं, सारी बात बताते हैं। श्री कृष्णा की जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों एक बार प्रेम से बोलिए वासुदेव कृष्ण की जय। वासुदेव कंस के आगे हाथ जोड़ के देवकी के प्राणों की भीख मांगते हैं।
देवकी असहाय सी अपने भाई की ओर देखते जा रही है। उसको इस बात का बड़ा दुख है कि मैं ही अपने भाई की मृत्यु का कारण बनूंगी। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। कंस ने देवकी का वध करने के लिए तलवार तान रखी है। वासुदेव जी विनती करते हैं, हे कंस राजा, अपनी बहन को हत्या का पाप अपने सर पर मत लो। आइए आगे कथा में क्या होता है आप सभी को बताते हैं। वासुदेव जी बोले, कंस से सुनो कंस महाराज, अपने पुत्रों को तुम्हें सौंपने का वचन दूं आज। हम दोनों की पैदा होंगी जितनी भी संतान, तुम्हें सौंप दूंगा मैं लाके बात लो मेरी मान। औरत का वध करके अपने सर पर ना लो पाप, दयावान गुणवान बड़े ही महाराज हैं आप। कंस राज की समझ आ गई वासुदेव की बात, वापस मोड़ लाया रथ उसने उनके तो साथ। आगे क्या करता है पापी ये समझाते हैं, हम समझाते हैं। श्री कृष्णा के जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों एक बार प्रेम से बोलिए, देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की जय। देवकी और वासुदेव को कारागार में डलवा देता है और सख्त पहरा बिठा देता है। सैनिकों को आदेश देता है कि इन दोनों की खबर किसी को ना मालूम पड़े, और इतना कह के कंस चला जाता है। देवकी और वासुदेव कारागार को ही अपना महल मान लेते हैं। आइए आगे की कथा क्या है आप सभी को बताते हैं। पहला गर्भ कर लिया धारण बहन देवकी ने, वासुदेव के कान में कर दी खबर देवकी ने। खुश होने के बदले दोनों रह जाते हैं सन, कई दिनों तक खाया ना गया उन दोनों से अन्न। कंस राज को दिया था जो वो वचन आ गया याद, सौंपूंगा संतान तुम्हें पैदा होने के बाद। खबर हो गई राजा कंस को गर्भ धारण की, बात याद आ गई कंस को मौत के कारण की। पहले पुत्र का जन्म हो गया वो दिखलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा के जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों कंस को जैसे ही पता चला कि देवकी ने पुत्र को जन्म दिया है, तुरंत ही कारागार में पहुंच जाता है और देवकी की गोद से बच्चा छीन लेता है। देवकी कंस के पैरों में गिर जाती है, रोते हुए कहती है, भैया आपका दुश्मन तो मेरा आठवां बच्चा है ना, ये तो पहला बेटा है, ये तो निर्दोष है भैया, इसे मत मारो। कंस सोच में डूब जाता है, देवकी सही कह रही है, मेरा शत्रु तो इसका आठवां पुत्र है, इसे मार के पाप का भागी क्यों बनूं। उसे छोड़ देता है, चला जाता है। आइए आगे की कथा में क्या होता है आप सभी को बताते हैं। कंस राज सिंहासन बैठा लगा हुआ दरबार, नारद जी आते हैं लगाते कंस की जय जयकार। धन्य हो गए हम नारद जी, दर्शन हमें हुआ। बोले श्री नारद जी, कैसे आना यहाँ हुआ।
नारद बोले कंस राज से तुम धो बड़े नदान, मति तुम्हारी मारी देख के हम हैं बड़े हैरान। अष्ट पंखुड़ी कमल पुष्प फिर उसे दिखाते हैं, दोनों तरफ गिनती देखो तो आठ ही आते हैं। श्री कृष्णा की लीला जन्म की हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा के जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, कंस हैरान परेशान नारद जी के कथन का अर्थ नहीं पा रहा था। बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, विस्तार से समझाइए। तब नारद जी बोले, जिस प्रकार इस कमल का पुष्प पंखुड़ियां कहीं से गिनो पर आठ ही आएंगी, ठीक उसी प्रकार देवकी के पुत्रों की गणना कहीं से भी करो आठ ही आएगी। पता नहीं वो आठवां पहला बनके जन्म ले ले और तुम्हारा काम तमाम कर दे। नारद की बात कंस के समझ में आ गई। नारद जी ने नारायण नारायण करते हुए अंतर ध्यान हो गए। आइए आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। क्रोध में भर के कंस राज फिर पहुंचा कारागार, छीन के पुत्र बहन का अपनी दिया है उसको मार। तड़प के रह गए पति पत्नी वो बहन नैन से नीर, मार दिया बहना के शिशु को उठी कलेजे पीड़। इसी तरह से एक एक कर मारे बालक साथ, वध करता जब मासूमों का नहीं कांपता हाथ। सूख गए वासुदेव देव की बन गए नर कंकाल, अपने भांजों का मामा ही बन बैठा है काल। पति पत्नी दिन रात जेल में नीर बहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा के जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की जय। कुछ दिनों के बाद देवकी आठवां गर्भ धारण करती हैं। ये सूचना कंस को जैसे ही मिलती है उसे साक्षात मृत्यु नजर आती है। चारों दिशाएं घूमती हुई प्रतीत होती है। उसके कानों में ये आकाशवाणी का एक वाक्य गूंजने लगता है। कंस सैनिकों को लेकर रथ पर सवार होकर उस जेल में पहुंचता है जहां वासुदेव और देवकी को कैद किया था। आइए आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। कंस राज घबराया हुआ सा जेल में आता है, सारे पहरेदारों को तो हुक्म सुनाता है। हाथ पांव में इन दोनों के डाल दो तुम जंजीर, आधा भोजन आज से देना थोड़ा देना नीर। हर फाटक पर ताला लगा दो बढ़ा दो पहरेदार, खड़े रहो दिन रात हाथ में लेकर के हथियार। इन दोनों की हमें सूचना हर दिन भिजवाना, याद रहे आज्ञा है मेरी भूल नहीं जाना। सुनो ध्यान से हम तुमको आदेश सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा के जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनो सुनो लगा के ध्यान।
भक्तों एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे पहरेदार को समझा के कंस चला जाता है। पति पत्नी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, दोनों बेबाद असहाय बस जीवन के लिए काट रहे हैं। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब देवकी के उदर में प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। भादो मास की अंधेरी रात है, बादल गरज रहे हैं, काला शाह अधेरा विराजमान है, रिमझिम बरसात शुरू हो चुकी है। सातों फाटकों के ऊपर ताले लगे हैं, हर फाटक के बाहर चार चार सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। आइए आगे की कथा में क्या होता है आप सभी को बताते हैं। कारागार में भर जाता है एक दिव्य प्रकाश, दिव्य पुंज एक ज्योत आ गई देवकी जी के पास। देवकी जी के उदर के ऊपर लुप्त हो जाती है, हैरान बड़े वासुदेव देवकी समझ न पाती है। टूट गई हथकड़ी बेड़ियां, टूट गए ताले, गहरी नींद में डूब गए हैं सब पहरे वाले। सारे फाटक खुल जाते हैं भक्तों अपने आप, जेल से बाहर जाने का सब हुआ रास्ता साफ। श्री हरि जी श्री कृष्ण बने तो जेल में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्णा भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया है, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पुत्र का सुंदर रूप देख के माता पिता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा जैसा तेज, चंद्रमा के समान गोल मटोल चेहरा देख के दो पल के लिए वो अपना सारा दर्द भूल जाते हैं। अगले ही पल कसाई कंस का डरावना रूप उनकी आंखों के सामने उतर जाता है। पुत्र की प्राण रक्षा के लिए देवकी ने कहा, हे स्वामी इस बालक को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ाओ। फाटक खुल चुके हैं, हमारी बेड़ियां टूट चुकी हैं, पहरेदार सो चुके हैं, सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। वासुदेव जी ऐसा ही करते हैं। लेके टोकरी उसमें लिटा के वासुदेव महाराज अपने पुत्र के प्राण बचाने निकल पड़े हैं। आज सोए हैं सैनिक, खुले हैं फाटक, बरस रही बरसात, आधी रात का पहर डराए काली काली रात। सिर पर अपने लिए टोकरी पहुँचे यमुना तीर, तीव्र वेग से प्रलय मचाए यमुना जी का नीर। यमुना माता उफन रही है, उतर गए वासुदेव, मन ही मन वासुदेव जी बोले दया करो महादेव। वासुदेव यमुना के बीच में चलते जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा के जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुना जी श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए व्याकुल हैं, बढ़ती जा रही हैं। जब वासुदेव जी सर तक डूब जाते हैं तो कृष्ण भगवान अपना एक पांव टोकरी बाहर लटका देते हैं। यमुना जी चरण स्पर्श कर शांत हो जाती हैं।
जल स्तर घट जाता है। वासुदेव जी सकुशल पार हो जाते हैं। आइए कथा में आगे क्या होता है आप सभी को बताते हैं। नंद रानी सो रही पलंग पर, बच्ची रही है खेल। श्री कृष्ण टोकरी में आए तोड़ ताड़ के जेल। लला उठा के धरा बगल में, लली को लिया उठाए। वासुदेव आनन फानन तो जेल में पहुँचे जाए। लली को लेके देवकी माँ ने सीने लिया लगाए। पाँव में बेदी हाथ हथकड़ी अपने आप लग जाए। लग गए ताले हर फाटक पे, उठ गए पहरेदार। बच्चे की किलकारी सुन के मच गया हाहाकार। कथा लिखे सुखदेव तुडियस गा के सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा के जन्म की लीला हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।